हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? गुड. ओफ, इट्स वेरी कोल्ड टुडे, है ना? आज बहुत ज़्यादा ठंड है. आप सब अपना अपना जरूर से ध्यान रखना. ओके, तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा था. यस, किसके बारे में पढ़ा था हमने? अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा था. अल्फ़ाबेट के बारे में क्या पढ़ा था हमने? कि ए से लेके जी तक जो भी लेटर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं. और ये लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं. यस, अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर होते हैं. ओके, ये तो हमने पढ़ लिया. पर अब एक बात आप मुझे बताओ, आप सबके क्या माइंड में ये थॉट नहीं आता कि अरे ये ए बी सी डी का मतलब होता क्या है? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y N Z, इसका मतलब क्या होता है? आप जरूर सोचते होगे ना ऐसा. ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये A B C का क्या मतलब होता है. चलो देखो. A for apple, A for ant. Yes, A for apple, A for ant. फिर से सुनना. A for apple, A for ant, A for apple, A for ant. Yes. A for क्या होता है? A for apple भी होता है, A for ant भी होता है. ये देखो, एक बड़ा सा apple है और ये यहाँ पे कितनी ants हैं? Ant means क्या होता है? चींटी. तो यहाँ पे कितनी ants हैं? चलो काउंट करते हैं. 1 2 3, थ्री एंट्स हैं. छोटी छोटी सी एंट्स हैं ना ये थ्री. पर और ये इतना बड़ा एप्पल है, बिग एप्पल है ना ये बहुत. यस, दिस इज बिग एप्पल. बिग मीन्स बड़ा, वेरी गुड. और स्मॉल मीन्स छोटा, दैट्स गुड. इतने बिग एप्पल को ये लिटिल लिटिल थ्री एंट्स देखो क्या कर रही हैं? उठा के ले जा रही हैं अपने साथ. यस, एक बिग एप्पल को ये स्मॉल एंट्स कैरी कर रही हैं. आपको पता है ये इस पिक्चर को देख के हमें क्या सीख मिलती है? इस पिक्चर को देख के हमें ये सीख मिलती है कि कामयाब बड़ा हो या छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल ये छोटी छोटी एंट्स की तरह. ठीक है, ओके. चलिए हम फिर से जानते हैं. ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट. एप्पल मीन्स सेव, एंट मीन्स चीटियाँ. ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट. एप्पल मीन्स सेव, एंट मीन्स चीटी. ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. अच्छा आप बताओ, व्हाट कम्स आफ्टर ए? कौन मुझे बताएगा, कौन बताएगा कि ए के बाद कौन सा लेटर आता है? जल्दी बताओ. ओके, मैं थ्री तक काउंट करूँगी, तब तक आपको बता देना है. 1 2 3, वेरी गुड. बिल्कुल सही कहा आपने. ए के आफ्टर बी आता है. ए के आफ्टर जो लेटर आता है वो क्या होता है? बी होता है. वेरी गुड. चलो फिर हम पढ़ते हैं. देखिए, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉक्स, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉक्स, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉक्स, B for ball, B for box. Ball means क्या होता है? Yes, ball means होता है गेंद. हमारे सामने ये क्या है? एक ball है. Box means क्या होता है? कौन बताएगा? Box का मतलब होता है डब्बा. Box का मतलब क्या होता है? डब्बा. जैसे आप सब सैटरडे को ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हो ना, सब लोग खेलते हो. किसका किसको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है? रेज योर हैंड. मुझे भी फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है. और बॉक्स देखो, बॉक्स का मतलब डब्बा. वैसे लंच में आप सब क्या करते हो? अपने अपने लंच बॉक्स से खाना खाते हो, तो आपका लंच बॉक्स है वो. ठीक वैसे ही बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉक्स, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉक्स. ओके, फिर से देखना. B for ball, B for box, B for ball, B for box. Ball means gained, box means dabba, ball means gained,
बॉक्स मीन्स डब्बा. ओके नाउ टेल मी कि व्हाट कम्स आफ्टर बी, बी के बाद कौन सा लेटर आता है, कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताओ. यस, बी के आफ्टर कौन सा लेटर आता है, सी आता है. वेरी गुड. चलो देखो क्या ये, सी फॉर कार, सी फॉर कैट, सी फॉर का, सी फॉर कैट, सी फॉर कार, सी फॉर कैट. कार मीन्स किसने किसने कार देखा है, रेज योर हैंड. किसके किसके पापा के पास कार है, वेरी गुड. किसके किसके घर में कार है. अच्छा चलो ये बताओ किसने किसने कार देखा है, सबने देखा है. वाह मैंने भी कार देखा है. और किसने किसने कैट देखा है, रेज योर हैंड. सबने कैट देखा है, वाओ. मुझे कोई बताए कैट कैसे बोलती है, कोई मुझे बोल के बताए कैट कैसे बोलती है, कैसे बोलती है कैट. म्याऊ. यस कैट कैसे बोलती है, म्याऊ. बिल्कुल सही, कैट म्याऊ बोलती है. कैट को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, कैट को सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है, जल्दी बताओ. मिल्क. यस कैट को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मिल्क पसंद है, कैट का फेवरेट है. वैसे आप सब क्या मिल्क पीते हो, कौन कौन किसका किसका फेवरेट है मिल्क. देखो मेरा तो बहुत ज्यादा फेवरेट है, मुझे तो मिल्क पीना बहुत पसंद है. किसका किसका फेवरेट है, आप लोगों का फेवरेट नहीं है. अच्छा किसका किसको मिल्क पीना बिल्कुल पसंद नहीं, रेज योर हैंड. किसको किसको मिल्क पीना बिल्कुल नहीं पसंद. पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, मिल्क पीने से क्या होता है ना, मिल्क पीने से हमें बहुत सारी ताकत मिलती है. बहुत सारे मिल्क में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है. तो हम बहुत तेज होते हैं दिमाग से, हमारे बोन्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, हमारे मसल्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए मिल्क पीना जरूरी होता है. ठीक है चलिए अब हम फिर पढ़ते हैं. सी फॉर कार, सी फॉर कैट, 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 सी फॉर कार, सी फॉर कैट. अब सी का आफ्टर लेटर क्या होता है, कौन बताएगा. यस सी का आफ्टर लेटर होता है डी. क्या होता है, डी. वेरी गुड. चलिए अब पढ़ते हैं. डी फॉर डॉग, डी फॉर डोर, डी फॉर डॉग, डी फॉर डोर, डी फॉर डॉग, डी फॉर डोर. डोर मीन्स क्या होता है, दरवाजा. डोर मीन्स दरवाजा होता है. डॉग मीन्स कुत्ता. डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता होता है. सबके घर में दरवाजे होते हैं, आप सबने दरवाजा देखा है. तो हम लोग दरवाजे को कभी ओपन करते हैं, कभी क्लोज करते हैं, कभी खोलते हैं और कभी बंद करते हैं. आप लोग ये बदमाशी बहुत ज्यादा करते हो, बार बार डोर को ओपन करते हो, क्लोज करते हो, है ना. पता है मुझे, देखो मुझे सब पता होता है. आपको अगर ये लगता है घर पे आप जो करते हो मैम और सर को नहीं पता चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैम और सर को सब पता रहता है. और डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता. ये देखो कितना प्यारा डॉग है, ये कितना प्यारा डॉग है. मुझे तो ये बहुत क्यूट लग रहा है, आपको क्यूट लग रहा है क्या, है. मुझे डॉग्स, मुझे तो डॉग बहुत अच्छे लगते हैं. अच्छा किसके किसके घर में पेट है डॉग, किसके किसके घर में है डॉग, किस किस किसके पास पेट है एक डॉग. रियली मेरे पास तो एक भी पेट नहीं है, पर मुझे बहुत पसंद है डॉग. बाय द वे ये पेट क्या होता है पता है आपको, पता है ये पेट क्या होता है, नहीं पता. पेट एनिमल क्या होते हैं, पेट एनिमल्स वो होते हैं जिन्हें हम घर में पालते हैं. यस ये होते हैं हमारे पेट एनिमल. तो हमारा जो डॉग है वो क्या है, वो एक पेट एनिमल है, क्योंकि हम इसे घर में भी तो पालते हैं ना. ये देखो कितना क्यूट है कि नहीं. डॉग के छोटे छोटे पप्पीज भी होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं डॉग के, उन्हें हम पप्पीज कहते हैं, पप्पी कहते हैं. ओके ठीक है. तो अब मुझे आप ये बताओ कि डॉग कैसे बोलता है, कैसे कैसे भौंकता है, डॉग कैसे भौंकता है एक बार बताओ. भौं भौं भौं. यस भौं भौं. ये डॉग भौंकता है, बार्किंग करता है. वेरी गुड. चलिए
चलिए फिर एक बार ध्यान से पढ़िएगा। डी फॉर डॉग, डी फॉर डोर, डी फॉर डॉग, डी फॉर डोर, डी फॉर डॉग, डी फॉर डोर। वेरी गुड। चलो अब आप मुझे बताओ कि डी का आफ्टर लेटर क्या होता है। डी का आफ्टर लेटर होता है ई। वाह वेरी गुड, आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो इसका मतलब। चलो अब हम पढ़ते हैं। ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग। एलिफेंट मीन्स हाथी, एग मीन्स अंडे। एलिफेंट मीन्स क्या होता है, एलिफेंट मीन्स क्या होता है, हाथी होता है। एग्स मीन्स क्या होते हैं, अंडे होते हैं। किसने किसने एलिफेंट देखा है? मैंने भी देखा है। एलिफेंट एक बहुत बिग एनिमल है ना। बिग एनिमल मीन्स बड़ा एनिमल, एलिफेंट। यस एलिफेंट इज बिग एनिमल। यस यस। और एग, किसको किसको एग पसंद है? रेज योर हैंड, किसको किसको एग खाने बहुत पसंद है? वेरी गुड। कौन कौन एग खाता है? रेज योर हैंड। किस कौन कौन रोज रोज एग खाता है? हो आपको मैं बताऊं, रोज रोज एग खाने से हमें बहुत सारी प्रोटीन मिलती हैं, जिससे हमें बहुत सारी ताकत मिलती है और हम स्ट्रांग बनते हैं। ठीक है, देखो संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ठीक है, हाँ संडे हो या मंडे हो, पर हमें अंडे हमेशा खाने चाहिए। एलिफेंट देखो, ये आपको एलिफेंट एक दिख रही, बड़ी सी एलिफेंट है यहाँ पे, है ना, बड़ी सी एलिफेंट देखो तो। और ये छोटे छोटे एक्स हैं। ठीक है, तो अब मुझे आप बताओ कि ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग, ये बिग एनिमल है ना एलिफेंट। यस बहुत ज्यादा बिग एनिमल है ये तो। और ये देखो तो, ये हमें क्या दिख रहे हैं, एलिफेंट के टू टिथ दिख रहे हैं, बड़े बड़े बिग 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 टिथ्स होते हैं एलिफेंट के पास। टू बिग टिथ्स दिख रहे हैं आपको। वैसे टिथ मीन्स क्या होता है? दांत। ओ आपको पता है टिथ मीन्स दांत होता है? किसके किसके पास टिथ्स हैं? रेज हैंड। और किसके किसके टिथ चूहे लेके भाग गए? आप मुझे बताओ किसके किसके दांत टूट गए? मुझे पता है किसके दांत टूटे हैं। ठीक है, ये देखो एलिफेंट के पास टू बिग टिथ्स होते हैं। ये टिथ का कलर क्या है? वाइट है। वाइट कलर, वाइट मीन्स सफेद। ठीक है, चलिए तो हमने जाना है कि ई फॉर एलिफेंट होता है और ई फॉर एग भी होता है। ओके अब आप मुझे बताओ कि ई के आफ्टर लेटर क्या होता है? एफ होता है। वेरी गुड, ई के आफ्टर लेटर एफ होते हैं। अब हम पढ़ेंगे। एफ फॉर फ्लावर, एफ फॉर फ्लैग, एफ फॉर फ्लावर, एफ फॉर फ्लैग, एफ फॉर फ्लावर, एफ फॉर फ्लैग, एफ फॉर फ्लावर, एफ फॉर फ्लैग। यस फ्लावर का मतलब क्या होता है? क्या होता है फ्लावर का मतलब? फ्लावर का मतलब होता है फूल। और फ्लैग का मतलब क्या होता है? झंडा। यस वेरी गुड। किसको किसको फ्लावर बहुत पसंद है? मुझे तो फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। और फ्लैग, फ्लैग तो सबका फेवरेट होता है कि नहीं? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपका फ्लावर, कौन सा फ्लावर आपका फेवरेट है, फिर मैं बताऊंगी। मुझे तो लोटस बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना लोटस फ्लावर बहुत पसंद है। हाँ आपका फेवरेट कौन सा फ्लावर है? वेरी गुड वेरी गुड। तो एफ फॉर फ्लावर, एफ फॉर फ्लैग, एफ फॉर फ्लावर, एफ फॉर फ्लैग, एफ फॉर फ्लावर, एफ फॉर फ्लैग, एफ फॉर फ्लावर, एफ फॉर फ्लैग। वेरी गुड। फ्लैग मीन्स झंडा। फ्लैग मीन्स क्या होता है? झंडा होता है। और फ्लावर मीन्स क्या होता है? फूल होता है। आपकी मम्मा जब भी सुबह सुबह पूजा करती हैं तो वो भगवान को फूल चढ़ाती हैं, है ना? किसने किसने देखा है? अच्छा कौन कौन पूजा करता है? कौन कौन पूजा करता है?
सब लोग पूजा करते हो? अरे वाह, आप सब तो बहुत गुड बॉयज गुड गर्ल्स हो। इसका मतलब कौन कौन रोज नहाता है ये बताओ। नहीं, झूठ नहीं, मुझे पता है आप लोग रोज नहीं नहाते। कोई बात नहीं, अभी तो बहुत ठंड है ना, हमें रोज वैसे रोज नहीं नहाओ कोई बात नहीं। पर हाँ, सुबह उठ के हमेशा रोज सुबह ब्रश जरूर करना चाहिए। आप अगर एक दिन नहीं नहाते हो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि ठंड बहुत है, पर ब्रश हमेशा ही करना चाहिए। कोई ऐसा है क्या जो बिना ब्रश किए खाना खा लेता है? बिल्कुल नहीं, बिना ब्रश किए कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे टीथ में ना जर्म्स हो जाएंगे। जर्म्स मीन्स कीटाणु। हाँ, फिर वो तभी तो हमारे टीथ बहुत वीक होंगे, फिर वो टूटेंगे। इसीलिए बिना ब्रश किए कभी खाना नहीं खाना चाहिए। वेरी गुड। तो देखो, एफ फॉर फ्लावर, एफ फॉर फ्लैग, एफ फॉर फ्लावर, एफ फॉर फ्लैग। एफ के आफ्टर लेटर क्या होता है? जी। एफ का लेटर आफ्टर क्या होता है? जी होता है। देखिए, जी फॉर गन, जी फॉर गर्ल, जी फॉर गन, जी फॉर गर्ल, जी फॉर गन, जी फॉर गर्ल, जी फॉर गन, जी फॉर गर्ल। गन मीन्स बंदूक, गन मीन्स बंदूक, गर्ल मीन्स लड़की। गर्ल मीन्स क्या होता है? लड़की होता है। किसने किसने गर्ल देखा है और किसने किसने गन देखा है? मैंने तो दोनों देखा है, आपने बताओ, आपने गन देखा है? अच्छा, आपने गर्ल देखा है। आपकी क्लास में तो बहुत सारी गर्ल्स है ना? यस, आपके घर में बहुत सारी गर्ल्स हैं। वेरी गुड। गर्ल मीन्स लड़की, गर्ल मीन्स क्या होता है? लड़की होता है। गन मीन्स क्या होता है? बंदूक होता है। आप बताओ, गन किसके पास होता है? पुलिस ऑफिसर्स के पास। यस, आपको तो पता है गन पुलिस ऑफिसर्स के पास होता है। किसको किसको पुलिस ऑफिसर बनना है बड़े होके? वेरी गुड, आपको पुलिस बनना है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो गन मीन्स बंदूक, गर्ल मीन्स लड़की। ओके, यस, वेरी गुड। फिर से देखो, जी फॉर गन, जी फॉर गर्ल, जी फॉर गन, जी फॉर गर्ल, जी फॉर गन, जी फॉर गर्ल। गन मीन्स बंदूक, गर्ल मीन्स लड़की, गन मीन्स बंदूक, गर्ल मीन्स लड़की। अब हम देखते हैं जी के बाद कौन सा लेटर होता है हमारा? एच होता है। यस, कौन सा लेटर? एच। चलो देखो, एच फॉर हैट, एच फॉर हाउस, एच फॉर हैट, एच फॉर हाउस। एच फॉर हैट भी होता है, एच फॉर हाउस भी होता है। हाउस मीन्स घर, हाउस मीन्स घर। हैट मीन्स टोपी, हैट मीन्स टोपी होता है। यस, देखो, एक होता है कैप, एक होता है कैप, और एक होता हैट। अब बताओ, कैसे पता चलेगा कैप कौन सा है और हैट कौन सा है? किसी को समझ आता है कैप और हैट कैसे अलग होते हैं? ये आपके सामने जो दिख रहा है ये हैट है, क्योंकि ये राउंड है। ये इसका जो ये जो शेप है ना, ये राउंड शेप में है। शेप तो आप सबने पढ़ा था वैसे। शेप मीन्स क्या होता है? आकार होता है। तो ये किस शेप में है? राउंड शेप में है, इसीलिए ये क्या है? हैट है। यस, वेरी गुड। और हाउस मीन्स क्या होता है? घर होता है। हाउस मीन्स घर होता है। हम सबको अपना घर बहुत पसंद है ना, सबका हाउस स्वीट हाउस होता है, सबको अपना घर बहुत अच्छा लगता है ना? यस, तो एच फॉर हैट, एच फॉर हाउस, एच फॉर हैट, एच फॉर हाउस। हाँ, जब भी हमें बहुत ज्यादा धूप लगती है तो हम हैट लगा के बाहर जाते हैं या कैप लगा के बाहर जाते हैं ताकि हमें धूप ना लगे। यस, देखिए, एच फॉर हाउस, एच फॉर हैट। ओके, वेरी गुड। एक बार फिर पढ़ना, एच फॉर हैट, एच फॉर हाउस। वेरी गुड। अब एच के बाद क्या आता है? आई आता है। एच के बाद आई। ओके, आई फॉर इंक, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर इंक, आई फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम सुन के किसके किसके मुंह में पानी आया? सबके मुंह में। आइसक्रीम किसको किसको बहुत ज्यादा पसंद है? मुझे तो आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है।
आप सबको भी पसंद है। पर कभी भी आइसक्रीम ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर हम आइसक्रीम ज़्यादा खाते हैं फिर पता है क्या होता है, फिर हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है ना। हमें मम्मी पापा अक्सर मना करते हैं कि नहीं बेटा आइसक्रीम नहीं खाना है। कभी कभी आइसक्रीम खाना चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है, पर कभी भी आइसक्रीम के लिए जिद नहीं करना चाहिए। यस, देखिए आई फॉर इंक, आई फॉर आइसक्रीम। इंक मीन्स होता है स्याही, इंक मीन्स स्याही। यस, इंक मीन्स होता है स्याही, और आइसक्रीम मीन्स आइसक्रीम। आइसक्रीम तो सबको पता है कि नहीं। यस, जब भी ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में हम आइसक्रीम नहीं खाते हैं क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो भी बहुत कोल्ड होता है, फिर हमें जुकाम हो जाता है, फिर हमें फीवर आ जाता है। इसलिए ठंड के मौसम में कभी भी आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। गुड, तो आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर इंक, आई फॉर इंक, आई फॉर आइसक्रीम। वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चों आज हमने ए से आए तक पढ़ा और हमने इसका मीन्स जाना। ठीक है, ए से आए तक पढ़ा और इसका मीन्स जाना। अब आपको घर पे पढ़ाई करनी है, आपको भी ए से लेके आए तक, यानी आज आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन करना है, उसको लर्न करना है। फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, फिर मैं आई के बाद की चीज़ें बताऊंगी। अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसको एकदम अच्छे से क्या करना है, रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से लर्न करना है, ताकि जब भी मैम आपसे पूछे तो आप फटाफट से अपना हैंड रेज करो और बताओ यस मैम मुझे इसका आंसर पता है। दैट्स वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब आप सब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आपको पता है कि सुबह जब भी हम जगते हैं और रात में जब भी हम सोते हैं, जगते टाइम हमें बड़ों से क्या कहना होता है और सोते टाइम क्या कहना होता है? जब भी हम सुबह जगते हैं ना, तो हमें सबसे क्या कहना होता है, बड़ों से छोटों से सबको हमें क्या कहना होता है, गुड मॉर्निंग। क्या कहना होता है? गुड मॉर्निंग। जैसे आप लोग स्कूल में अपने टीचर्स को गुड मॉर्निंग बोलते हो, सब लोग बोलते हो राइट? यस यस, वैसे ही जैसे आप स्कूल में मैम को गुड मॉर्निंग मैम बोलते हो, सर को गुड मॉर्निंग सर बोलते हो, वैसे ही घर पे भी गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा, अपने छोटे भैया बहन को, बड़े भैया को, दीदी को, सबको क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है। और जब आप रात में सोते हो तो क्या बोलना है, गुड नाइट बोलना है। अगर आपको गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलना सीख जाते हो, ये बहुत अच्छी बात होती है, हमें हमेशा बोलना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमें हमेशा अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, हमेशा उनकी बातों को मानना चाहिए। कौन कौन अपने अपने से बड़ों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है? रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों की हमेशा क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, हाँ, हम अगर अपने से बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं तो वो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, यानी बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं, फिर हम अच्छे बन जाते हैं, अच्छे बच्चे बनते हैं, हमारी पढ़ाई अच्छी होती है। ठीक है, तो आप सब भी गुड मॉर्निंग ज़रूर बोलना, गुड नाइट भी ज़रूर बोलना, और दोपहर में गुड आफ्टरनून बोलना। सुबह के टाइम में गुड मॉर्निंग, दोपहर के टाइम में गुड आफ्टरनून, और सोते टाइम गुड नाइट ज़रूर बोलना। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप सब इतने अच्छे से मेरी बातें सुनते हो और मेरी सब बात मानते हो, उसके लिए रियली थैंक यू। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, गुड स्टूडेंट हो सारे सब लोग। ओके, तब तक अब हम बाकी की चीज़ें अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।